और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के कटिहार से आ रही है, जहां पर बिजली के लिए बवाल हो गया और फिर पुलिस फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई है। जी हां, बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिजली कटौती को लेकर वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उस प्रदर्शन में सुशासन बाबू के पुलिस ने उन लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है। बुधवार को कटिहार के बरसोई में बिजली कटौती के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन पुलिस को प्रदर्शन के दौरान फायरिंग की अनुमति नहीं दी गई थी और ना ही पुलिस को यह अनुमति किसी कानून में दी गई है कि पुलिस प्रदर्शन के दौरान आम जनता पर गोली चलाए। ऐसे में पुलिस की फायरिंग का एक नया वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो रहा है। आप उस वीडियो में देख सकते हैं, ये इस वीडियो में देख सकते हैं कि गोली चलाने वाला शख्स वो पुलिस है, पुलिस की वर्दी पहना है और आम जनता पर गोलियां बरसाई जा रही हैं पुलिस के माध्यम से, जबकि एक की हालत इसमें गंभीर हो गई है इस फायरिंग में और दो लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि ये कटिहार के बारसोई का वीडियो है। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी उग्र भीड़ पर गोली चलाते दिख रहे हैं। इस वीडियो में कुछ लोगों की आवाजें भी सुनाई दे रही है, जो गोली चलने के बाद कह रहे हैं मार दिया रे मार दिया, एक को गोली मार दिया रे। इसके बाद फिर फायरिंग की आवाज आती है और वो लोग कहते हैं फिर से देखो गोली मार दिया गया, ये क्या हो रहा है। वीडियो में ये कहना है ऐसा भी कुछ सुनाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि ए न्यूज़ टुडे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो हैरान और परेशान कर देने वाला है और कहीं ना कहीं पे बिहार के नीतीश कुमार के शासन पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है, जहां पर चाहे पार्टी प्रदर्शन करे, चाहे छात्र प्रदर्शन करें या फिर उसी बिहार की जनता प्रदर्शन करे, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। बिहार में गोलियां चल रही हैं, लाठियां चल रही हैं और लोगों की हत्याएं कानून की रक्षा करने वाले कानूनी लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, ये वर्दी में आप देख रहे हैं, इसके पीछे कई और लोग पुलिस वाले पीछे से आ रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। इस फायरिंग में दो लोगों की जान चली गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। ये बड़ी खबर थी बिहार से, जहां पर बिहार के सुशासन बाबू की पुलिस ने एक बार फिर अपना असली चेहरा देश और दुनिया के सामने लाकर रख दिया है।